फ्रेंड, टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 4th आर फूड. सो टॉपिक इज हेल्दी फूड एंड जंक फूड. इज हेल्दी फूड एंड जंक फूड. बच्चों, अच्छा, हेल्दी फूड क्या होते हैं, जंक फूड क्या होते हैं, पहले हम ऐसे ही पूछते हैं. हेल्दी फूड मतलब जिसमें अधिक मात्रा में न्यूट्रिशन पाया जाता है, ठीक है. एंड जंक फूड वो होते हैं जिसमें कम मात्रा में न्यूट्रिशन पाया जाता है. और हेल्दी फूड हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, एंड जंक फूड उसके कंपेरिजन क्या होते हैं, वो हमारी बॉडी को डिसीजेस पैदा करते हैं, है ना. अब हम इनके डिफरेंसेस पढ़ेंगे कि क्या होते हैं हेल्दी फूड में और क्या होता है जंक फूड में. अब इनके बारे में पढ़ेंगे, उनमें डिफरेंस करेंगे. सो फर्स्ट है हमारा, हेल्दी फूड आर रिच इन न्यूट्रिएंट. जो हेल्दी फूड होता है उसमें अधिक मात्रा में न्यूट्रिशन पाया जाता है, पोषण तत्व पाए जाते हैं, ठीक है. वही कंपैरिजन टू जंक फूड में क्या होता है, जंक फूड हैज़ लेस न्यूट्रिशन. यहाँ पर न्यूट्रिशन होता ही नहीं है, अधिक से मतलब बहुत लो लेवल में न्यूट्रिशन पाया जाता है. सेकंड, हेल्दी फूड इज कुक्ड इन लेस ऑयल. जो हेल्दी फूड होते हैं वो कैसे ऑयल में पकाए जाते हैं, कम तेल में पकाए जाते हैं, ठीक है. यही जंक फूड के साथ क्या होता है, जंक फूड इज प्रिपेयर यूजिंग लॉट्स ऑफ ऑयल. बहुत सारा ऑयल होता है, दे आर जनरली डीप फ्राइड. ये क्या होते हैं, डीप फ्राइड मतलब बिल्कुल ऑयल में कैसे होते हैं, बिल्कुल फ्राइड कर दिए जाते हैं, ठीक है, उनको अंदर डाल करके बनाया जाता है. यही थर्ड पॉइंट क्या है, हेल्दी फूड सच एज कुक वेजिटेबल्स कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. जो हेल्दी फूड होते हैं उसमें जो वेजिटेबल्स पकाई जाती हैं उनको आप लंबे समय तक नहीं, हम लंबे समय तक नहीं रखते हैं. जैसे कि आप घर पे कोई सब्जी बनती है, जैसे आज आपके घर पे कुछ भी बनाओ, तो वो आप ऐसा तो नहीं है 3-4 दिन तक रखे रहेंगे और उसको 3-4 दिन तक खाते रहेंगे, नहीं ना, ऐसा नहीं करते. जो हमारे घर पे जो वेजिटेबल्स या फिर जो भी चीज़ें बनती हैं हेल्दी फूड, वो हम तुरंत ही खाते हैं और तुरंत ही ख़त्म करते हैं. यहाँ पर क्या होता है, जंक फूड में, जंक फूड कैन बी फ्रोजन एंड स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स. इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोसेस्ड फूड. यहाँ पे जंक फूड को क्या किया जाता है, काफ़ी समय तक रखा जाता है, फ्रोजन किया जाता है और लंबे समय तक उसको संभाल के रखा जाता है, इसलिए हम इसको प्रोसेस्ड फूड भी कहते हैं. जैसे कि आप कुछ भी ले आए, जैसे कुरकुरे का पैकेट है, कब से बन के रेडी होता है, लेकिन वो पैक्ड करा हुआ होता है, इसलिए हम उसको खाते हैं, है ना. और वो होता भी जंक फूड है और लंबे समय तक आप उसको संभाल के भी रख सकते हैं. यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है, हेल्दी फूड कीप अस फिट. हेल्दी फूड होते हैं वो हमारी बॉडी को क्या रखते हैं, बिल्कुल फिट रखते हैं, मजबूत रहती है. वहीं जंक फूड क्या होते हैं, रिस्क होता है उनको इंक्रीज, ज़्यादा अगर हम जंक फूड खाते हैं तो क्या हो जाता है, हमें हेल्थ की ही प्रॉब्लम होने लगती है, तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है. सम एग्ज़ाम्पल ऑफ हेल्दी फूड आर, कुछ एग्ज़ाम्पल बताते हैं हेल्दी फूड के. सो मिल्क, फ्रूट एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, ये होते हैं हेल्दी फूड के. कुछ एग्जांपल हैं आपके जंक फूड के, कंपैरिजन करिएगा, पिज्ज़ा, पेस्ट्री, कुकी. अधिक मात्रा में फैट पाया जाता है, खाने में अच्छी लगती हैं, लेकिन कंपैरिजन टू हेल्दी फूड ये हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय करती हैं, जंक फूड, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड एडल्ट्रेशन. क्या होता है, फूड एडल्ट्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच द क्वालिटी ऑफ फूड इज डिग्रेडेड बाय द एडिशन ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी मटेरियल कॉल्ड एडल्ट्रेंट्स. यहाँ पर होता क्या है, फूड एडल्ट्रेशन वो प्रोसेस है जहाँ पर खाने की क्वालिटी को क्या कर दिया जाता है, डिग्रेडेड मतलब बिल्कुल गिरा दिया जाता है. क्या कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है बाई द एडिशन ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी मटेरियल. क्या करके, कुछ जैसे गलत चीज़ें मिला करके मटेरियल पर उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उसको बोल एडल्ट्रेट, जिसमें ख़राब क्वालिटी की चीज़ों को मिला दिया जाता है, जिससे खाने की जो फूड होता है वो कैसा हो जाता है, बेकार क्वालिटी का बन जाता है. दिस इज़ डन परपज्ड बाई पीपल हु वॉन्ट टू अर्न प्रॉफिट बाई एनी मीन्स. ये किस लिए होता है, ये कुछ पैसे मतलब कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए ये लोग करते हैं. आपने देखा होगा कि इतनी मिलावटी चीज़ें आ रही हैं आजकल, कुछ भी इस शुद्ध सा नहीं होता है. क्यों, ये लोग क्या करते हैं, उसमें अच्छी अच्छी चीज़ों में क्या कर देते हैं, कुछ नकली चीज़ें भी मिला देते हैं, जिससे हमारी स्वास्थ्य भी ख़राब होता है और हमें और उन लोगों को क्या होता है, प्रॉफिट होता है, क्योंकि वो असली चीज़ तो उसमें मिलाते नहीं है जिससे उनको पैसा उनका बच रहा हो, वो सब चीज़ बेकार बेकार सी मिला रहे हैं. सेकेंड, एडल्ट्रेंट्स मेक फूड अनसेफ फॉर कंजप्शन.
सो एडल्ट्रेंट्स मेक फूड अनसेफ फॉर आर कंजप्शन, और ये जो मिलावटी खाना होता है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत बेकार होता है. फूड एडल्ट्रेशन कैन बी डन एट एनी स्टेज, जो फूड एडल्ट्रेशन होता है वो किसी भी स्टेज पे जाकर के ख़राब किया जा सकता है, सच एज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रोथ. जैसे हमने कोई चीज़ उगाई उसी समय आपने कुछ गंदा उगा दिया हो, ठीक है, कुछ गंदे सीड्स डाल दिए हों तो चीज़ अच्छी नहीं आएगी. ड्यूरिंग स्टोरेज, जब किसी चीज़ को स्टोर करके रख रहे हों, ठीक है, पैकेट में. प्रोसेसिंग, काम करते समय, रखते समय, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के समय, इस चीज़ में हम कर सकते हैं. तो ये मतलब किसी भी लेवल पे जा करके हो सकता है. सो आई होप आपको समझ में आया होगा आर फूड चैप्टर. सो नाउ चैप्टर इज़ फिनिश. गुड बाय.